नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजी अंजू। आज जो आलेख आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का लिखा है, जिनका आज सुबह ही स्वर्गवास हो गया। वे एक बेबाक निर्भीक पत्रकार थे और देश की सेवा में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज जो आलेख आपके साथ साझा करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है भारत के कश्मीर पर पाकिस्तान का रुदाली रोना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अनजाने ही कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान की नाकामी को उजागर कर दिया है। वे न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कश्मीर का स्थाई राग अलापते अलापते उनके मुंह से निकल गया कि कश्मीर के सवाल को अंजाम देना बहुत ऊंची चढ़ाई है। इस बात को बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो अब से 51 साल पहले ही समझ गए थे, जब 1972 के शिमला समझौते में उन्होंने दो टूक शब्दों में स्वीकार किया था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विवाद है। द्विपक्षीय यानी इस विवाद का ताल्लुक सिर्फ भारत और पाकिस्तान से है, इसमें किसी तीसरे राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। यह वही जुल्फिकार अली भुट्टो हैं जो कहा करते थे कि यदि हमें 1000 साल भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे और कश्मीर को भारत से लेकर रहेंगे। पाकिस्तान के शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में मेरे जब भी भाषण हुए मैंने श्रोताओं से पूछा, क्या पाकिस्तान 1000 साल में भी कश्मीर को भारत से छुड़ा सकता है? तो सबकी बोलती बंद हो जाती थी। मुझे कई पाकिस्तानी कहते रहे कि कश्मीर हमारे लीडरों के लिए एक जबरदस्त कश्ती है, जो लीडर इसे जितने जोर से दौड़ाता है वह अपना चुनाव उतने ही जोर से जीतता है, लेकिन पाकिस्तान की आज जो हालत हो गई है उसमें कश्मीर जैसा कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। पाकिस्तानी कश्मीरी ही नहीं, बलूच और पठान भी आज़ादी और अलगाव की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर न तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई संघर्ष समर्थन मिल रहा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। इधर तुर्की और मलेशिया ने थोड़ी चिल्लपो जरूर मचाई थी, लेकिन कश्मीर के सवाल को अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी खूंटी पर टांग खड़ा रखा है। बिलावल को अफसोस है कि फलस्तीन के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ और महाशक्तियां कुछ ना कुछ पहल करती रहती हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर ये सब चुप्पी खींचे रखते हैं। बिलावल ने भारत के बारे में बोलते हुए गलती से उसे अपना मित्र और अपना पड़ोसी भी कह दिया। अफगानिस्तान के बारे में उसने ठीक ही कहा कि यदि अफगानिस्तान छींकता है तो पाकिस्तान को जुकाम हो जाता है। कश्मीर पर कब्जा करने के बदले पाकिस्तान को पहले तालिबानी जुकाम और आर्थिक बुखार की गोलियां खानी चाहिए। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति रेडियो हिंदुस्तान की ओर से डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को हार्दिक श्रद्धांजलि। नमस्कार।